हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल प्रणीता गार्डन में। आज मैं आप लोगों को जो जून जुलाई में कटिंग के थ्रू ग्रो होने वाला हैंगिंग प्लांट लेके आया हूँ। फर्स्ट में है ये मेरा सेडियम, ये भी एक हैंगिंग प्लांट है। ये भी हैंगिंग प्लांट में बहुत प्यारा सा लुक देगा। देखिए, इसको भी आप लोग अभी इसको थोड़ा सा ये कटिंग करके लगाने से अभी जल्दी से इसका लग जाएगा। जून जुलाई में इसका जल्दी से और मौसम में भी लगता है, पर जून जुलाई में जितना जल्दी से कटिंग लग जाता है उतना दूसरे मौसम में नहीं लगता। इसीलिए जून जुलाई में ऐसे डीएम कटिंग ज़रूर लगाना। और इसको इजी टू ग्रो है, इसको लगाना भी बहुत आसान है। थोड़ा सा ऊपर का दो तोड़ के लगाने से भी इसमें जड़ आ जाते हैं। और इतना ही, अभी तो गर्मी भी है और बीच बीच में बारिश भी हो रहा है, इसीलिए इसको आप लोग बारिश से, मतलब जहाँ बारिश ना हो वैसे जगह में रखें तो इसका बढ़िया से ग्रोथ होगा। और देखिए, ये एक ब्यूटीफुल सा हैंगिंग प्लांट है। और इसमें मेरा बीन्स का जो आया है वाइन आया है, इसीलिए इसको थोड़ा डिस्टर्ब करके रखा है इसने। नेक्स्ट है ये स्पाइडर प्लांट भी एक हैंगिंग बास्केट में एक प्यारा सा लुक देगा। देखिए, ये भी आप लोग अभी लगा सकते हैं। इसको अभी आप लोग इसको नीचे से जड़ के साथ तोड़ के लगाइए और हैंगिंग पॉट में लगा लीजिए, बहुत प्यारा सा लुक देगा। देखिए, ये भी एक हैंगिंग बास्केट में बहुत प्यारा सा लुक देने वाला प्लांट है। इसीलिए आप लोग स्पाइडर प्लांट को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। अभी थोड़ा ये मैच्योर नहीं हुआ, अभी जब मैच्योर होगा तो इससे एक फूल के साथ में इसका थोड़ा थोड़ा बेबी प्लांट भी लटकेगा और प्यारा सा लुक देगा तभी तो। देखिए, ये हो गया स्पाइडर प्लांट। नेक्स्ट प्लांट है ये सिंगोनियम। सिंगोनियम को भी आप लोग हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं, ये भी एक प्यारा सा लुक देगा ये हैंगिंग पॉट में। ये अभी आप लोग इसको भी कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, इसलिए आप लोग को ये सिंगोनियम हैंगिंग पॉट में ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए, इसका लुक कितना प्यारा सा लग रहा है। ये हो गया सिंगोनियम। नेक्स्ट है ये इंच प्लांट। ये भी देखिए बहुत प्यारा सा एक हैंगिंग बास्केट में होने वाला प्लांट है। इसको भी इजी टू ग्रो है, इसको भी थोड़ा सा अच्छा छोटा सा इतना कटिंग करके लगाने से भी ये हो जाते हैं, इसीलिए आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। देखिए, इसने कितना प्यारा सा लुक दिया है। देखिए, मेरा ये पूरा ये जो वो पॉट है ना, पूरा भर के गोल सा लुक दिया है। देखिए, मैं थोड़ा दूर से दिखाती हूँ। ये भी एक प्यारा सा हैंगिंग पॉट में होने वाला प्लांट है, ये भी आप लोग लगा सकते हैं। अभी इसका कटिंग लगाने से जल्दी हो जाते हैं, इसीलिए आप लोग स्टेम इसको लगा सकते हैं। ये एक प्यारा सा हैंगिंग प्लांट है। देखिए, एक छोटा सा लगा लीजिए और उसको इतना जल्दी से इसका ग्रोथ हो जाता है ना। देखिए, मेरा पॉट पूरा भर गया, इसीलिए छोटा सा लगाने से भी इसका थोड़ा थोड़ा इतना जल्दी से बढ़ के ये पूरा गमले भर जाएगा। देखिए, कितना प्यारा सा लुक देगा। ये भी आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ये मंकी टेल, ये भी आप लोग हैंगिंग में लगा सकते हैं। इसको भी आप लोग थोड़ा सा ये काट के लगाने से भी हो जाते हैं, और जिस इसका जो लीफ है उसके थ्रू भी आप लोग लगा सकते हैं। और इसका ये जो ये लीफ होता है ना, ये बहुत नाजुक सा होते हैं, इसीलिए आप लोग इसको गमले इधर उधर शिफ्ट करते टाइम ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि इसका बहुत नाजुक होता है ये जो लीफ। ये भी एक प्यारा सा हैंगिंग प्लांट है, ये भी आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ये वंडरिंग जीव, ये भी एक प्यारा सा हैंगिंग पॉट में होने वाला प्लांट है। ये तो और है, देखे इसको मैंने छोटा सा लगाया था, इसको भर के पूरा लटक लटक के इतना प्यारा सा लुक दे रहा है। ये भी आप लोग अभी जून के महीने में इसको कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा जड़ आ रखा है, उसको कट करके दूसरे गमले में लगाइए, इससे जल्दी से इसको लग जाएगा। ये आप लोग लगा सकते हैं इसको। देखिए, और ये गमले में पॉट जब तैयार करते तो बहुत हल्का लगाना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट जब बढ़ते जाएगा तो उसका वेट बढ़ेगा। इसीलिए जब भी आप लोग हैंगिंग पॉट में गमले तैयार करते तो हल्के बनाना, वो भी मैं आप लोगों को वो वीडियो बनाऊंगी, गमले में कैसे हैंगिंग बास्केट में हैंगिंग पॉट में कैसे गमले तैयार करते हैं वो भी बनाऊँगी वीडियो। ये हो गया वंडर इंजिन, ये भी आप लोग लगा सकते हैं।
फ्रेंड्स, आज का आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक करना, और जो जो मेरे वीडियो में अभी नया है वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे वीडियो लेके आते हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।